A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyanmanjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 3rd. In our previous session we have started unit number 22, conjunctions and, or, but and because. Okay, and we have completed the explanation of and, or, but and because, that how can we use those conjunctions in a sentence and how the conjunctions help us to build a proper sentence. Okay, and then we have completed focus exercise also. So today we are going to start the practice exercise and the extension exercise. Okay, so let's get it started. So first of all, practice exercise question number A. Fill in the blanks with and, or, but, or because. Okay, those conjunctions and, or, but and because, with the help of these conjunctions and, or, but and because, you have to fill the blanks. Okay, जो भी conjunction proper आता है blank के अंदर उसे आपको वहाँ पर fill करना है. So I am going to write the practice exercise question number A. Question number A. Okay, so open your book and find page number 63. Okay, page number 63 in your GE book. So question number A is, fill in the blanks with and, or, but, or because. And the first blank is, I met Venkat blank. I did not meet his sister. Okay, मैं वेंकट से मिला लेकिन मैं उसके सिस्टर से नहीं मिला, यह है इसका ट्रांसलेशन. तो यहाँ पर इन चारों में से कौन सा प्रीपोजिशन फिक्स आता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट ऑल द प्रीपोजिशंस मीनिंग टू ऑल ऑफ यू. एंड यानी कि, और यानी कि जब भी कोई दो चीज़ हो, ये या तो ये, तब यूज़ होता है. बट यानी कि जब भी हमें सेंटेंस में अगर कोई रीज़न देना हो, ओके, तब. एंड बिकॉज, जब हमें स्ट्रॉन्गली किसी रीज़न के बारे में मेंशन करना हो तब. ओके, सो यहाँ पर हमें ब्लैंक में क्या कहा गया है? आई मीट वेंकट, आई डिड नॉट मीट हिज सिस्टर. मैं वेंकट से मिला था लेकिन उसके सिस्टर से नहीं मिला था. तो यहाँ पर क्या आएगा इन चारों में से? बट आएगा. क्या आएगा? बट. एंड द फुल सेंटेंस इज, आई मेट वेंकट बट आई डिड नॉट मीट हिज सिस्टर. ओके, नाउ नंबर टू, वी हैव वन हॉलीडे दिस वीक. हमें इस हॉलीडे एक वीक, इस वीक का एक दिन एज अ हॉलीडे मिलेगा. आई कांट रिमेंबर इफ इट इज़ ऑन थर्सडे ब्लैंक फ्राइडे. मुझे ये नहीं पता है कि ये थर्सडे को होगा या तो फ्राइडे को होगा. ओके, अब इन दोनों में से किसी एक दिन छुट्टी होने वाली है. एंड जब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इन सारे के सारे कंजक्शंस के बारे में, तब मैंने आपके इनका मीनिंग, इनके एग्जाम्पल्स सब कुछ एक्सप्लेन किया था. ठीक है, सो जब भी दो चीज़ों में से किसी एक को चूज करना हो, चॉइस दी हो हमें, तब हम कौन से कंजक्शन का यूज़ करेंगे? और. दिस और दिस, that or this. Okay, or I can't remember if it is on Thursday or Friday. मुझे पता है कि इस वीक में एक हॉलीडे है लेकिन वो फ्राइडे को है या थर्सडे को है, ये मुझे नहीं पता. सो यहाँ पर हमारे पास चॉइस थी थर्सडे एंड फ्राइडे, और हमें पता नहीं था कि ये है या ये. सो वी कैन यूज़ और. नंबर थ्री, आई गॉट लेट फॉर स्कूल ब्लैंक, देयर वॉज अ ट्रैफिक जाम. देखिए यहाँ पर एक रीज़न दिया गया है किस बात का, कि मैं स्कूल पर लेट पहुँचा क्योंकि ट्रैफिक जाम था. तो जब भी हमें रीज़न देना हो, किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना हो, तब हम कौन से कंजक्शन का यूज़ करेंगे? बिकॉज. ओके, आई गोट लेट फॉर स्कूल बिकॉज देयर वॉज अ ट्रैफिक जाम. नेक्स्ट नंबर फोर, पूजा हैज़ बीन कफिंग ब्लैंक स्नीजिंग सिंस मॉर्निंग. देखिए यहाँ पर एक ही सेंटेंस में दो थॉट हमें रखने हैं. ओके, क्या कहा गया है? कि पूजा को कफ था एंड वो स्नीज यानी कि छींकना, वो छींक भी ले रही थी सुबह से. ओके, तो दोनों चीज़ को एक ही सेंटेंस में जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है, सेम थॉट हमें रखना होता है, तब हम कौन से कंजक्शन का यूज़ करते हैं? एंड का. ओके,
coughing and sneezing. Got it? Next, this is a nice watch. ये watch बहुत ही अच्छी है. It is old blank new. ये नई है या पुरानी? Okay, तो यहाँ पर भी एक चॉइस पूछी गई है दोनों में से कि ये नई है या पुरानी. तो क्या आएगा इसमें? और. Okay? Number 6. I know how to swim. मुझे पता है कि कैसे स्विम किया जाता है. Blank, I don't know how to dive. देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि मुझे स्विम करना तो आता है लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि डाइव कैसे किया जाए. डाइव मीन्स जो स्विमिंग पूल रहता है उसके ऊपर खड़े रहकर किसी हाइट के ऊपर या तो फिर उसके किनारे पर खड़े रहकर अगर हम उसके अंदर छलांग लगाते हैं तो उसको बोलते हैं डाइव. तो यहाँ पर क्या कहा गया कि मुझे कैसे तैरना है ये तो पता है लेकिन डाइव कैसे लगाई जाती है ये मुझे नहीं पता है. ओके, सो यहाँ पर कौन सा कंजक्शन यूज होगा? बट. एंड द फुल सेंटेंस इज आई नो हाउ टू स्विम बट आई डोंट नो हाउ टू डाइव. ओके, नेक्स्ट नंबर 7. सी वॉशेज द क्लॉथ्स blank hangs them on the land. देखिए यहाँ पर सेम थॉट एक सेंटेंस में रखना है. ओके, उसने कपड़े धोए और उनको एक लाइन में हैंग कर दिए यानी कि सुखा दिए. जब मम्मी कपड़े धोती है बाद में वो जो तार रहता है जो रोब रहता है उसके ऊपर उसको हैंग करते हैं ना, लटकाते हैं ना, ठीक है, तो ये सेम ही थॉट है. तो यहाँ पर कौन सा हम कंजक्शन यूज करेंगे? एंड. ओके, so she washes the clothes and hangs them on the line. Okay, now number 8. I could not answer your call blank I was sleeping then. मैंने तुम्हारे फोन का आंसर इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं तब सो रहा था. ओके, तो जो भी एक्ट है उसके लिए उसने एक रीजन दिया है. तो जब भी रीजन देना होता है तब हम कौन से कंजक्शन का यूज करते हैं? बिकॉज का. किसका? बिकॉज का. ओके, सो हियर आवर प्रैक्टिस एक्सरसाइज कंप्लीट. ओके, ये कौन सी एक्सरसाइज थी हमारी? प्रैक्टिस. नाउ एक्सटेंशन. हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व द एक्सटेंशन एक्सरसाइज. ओके, so I'm going to read the question first. Question number A on page number 63. Join the following sentences using and, or, but and because. यहाँ पर आपको total 3 sentences दिए गए हैं. Okay, जो कि दो phase में हैं. कितने phase में हैं? 2 phases में हैं. यानी कि दो sentences हैं. Conjunction का use क्या होता है? एक sentence को conjunct करना यानी कि जोड़ना. ओके, तो यहाँ पर कोई कंजक्शन यूज़ किया गया नहीं. आपको पहले क्या करना है? सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है, उसका मतलब समझना है एंड देन आपको ये तय करना है कि इसके अंदर कौन सा कंजक्शन लगाकर हम सेंटेंस को मर्ज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कंजक्ट कर सकते हैं. ठीक है, हमारे पास कितने कंजक्शंस है? 4. कौन कौन से? एंड, और, बट एंड बिकॉज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट सेंटेंस. आई एम फीलिंग वीक. मुझे बहुत ही वीक फील हो रहा है. आई डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग. इसलिए मैं सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं खा पाया. तो कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसने जो भी एक्ट किया उसके लिए कोई रीज़न दिया है, राइट? वो सुबह को अच्छा फील नहीं कर रहा था, वीक फील कर रहा था, इसीलिए उसने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं खाया है. एंड आई एक्सप्लेन दैट कि जब भी हमें सेंटेंस में कोई भी रीज़न देना हो, ओके, किसी भी बात का एक्सप्लेनेशन देना हो, तब हम कौन से कंजक्शन का यूज करते हैं? बिकॉज का. सो वी कैन जॉइन दिस सेंटेंस विथ बिकॉज. ओके, सो हाउ कैन वी राइट द सेंटेंस? लाइक दिस. लुक ओवर हियर. आई एम फीलिंग वीक. आई एम फीलिंग वीक. मुझे वीक फील हो रहा है. ठीक है, क्यों वीक फील हो रहा है? क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया था. तो यहाँ पर बिकॉज आई डिड नॉट ईट. आई डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग. ब्रेकफास्ट दिस
morning. Got it? Now number two. You can give me a notebook. Okay, तुम मुझे एक notebook दे सकते हो. You can give me a set of crayons. या तो तुम मुझे एक set of crayons दे सकते हो, एक crayons का set दे सकते हो. तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ तुम्हें मुझे देनी है. ओके तो यहाँ पर कौन सा थॉट प्रेजेंट हुआ है कि चॉइस वाला, कि या तो तुम मुझे नोटबुक्स दो या तो फिर तुम मुझे क्रेयन का सेट दो. ठीक है, तो अब इन दोनों सेंटेंस को कंजक्ट करने के लिए हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे? और का. क्योंकि जब भी सेंटेंस में हमें चॉइस दी गई हो, किसी एक को चूज़ करना हो दोनों में से, तब हम कौन से कंजक्शन का यूज़ करते हैं? और का. सो वी कैन ज्वाइन दिस सेंटेंस विथ और. ओके एंड we can write this sentence like this. You can give me a notebook. You can give me a notebook or you can. देखिए यहाँ पर हम फुल सेंटेंस भी लिख सकते हैं और यू कैन गिव मी, लेकिन हमें इस सेंटेंस को और क्लमसी नहीं बनाना है, तो हम सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, यू कैन गिव मी अ नोटबुक और अ सेट ऑफ क्रेयॉन. ओके हमें अगेन यू कैन गिव मी नहीं लिखना, कोई नीड नहीं है इसकी. नाउ नंबर थ्री. I like apples. I don't like oranges. Okay? मुझे apples पसंद है, मुझे oranges नहीं पसंद है. तो हम यहाँ पर कौन से conjunction का use करेंगे? But का. How? I like apples. I like apples. But I don't like oranges. Okay? So here our practice and extension exercise is completed. Now you can write the both exercises in your term book. I am giving you some time to write this. Please write down in your notebooks. Okay students, so we have completed unit number 22. Now we are going to start unit number 23, sentences. Okay, on page number 64, unit name is sentences. तो sentence का मतलब क्या होता है? कोई भी एक वाक्य. अगर हम कोई भी lesson ले ले, कोई भी एक paragraph ले ले, तो उसका जो line होती है उसको बोलेंगे हम sentence. क्या बोलेंगे हम? Sentence. Okay, so we can say that the meaning of sentence is a sentence is a group of words that makes complete sense. Sentence किसको कहा जाता है? कि ऐसे group of words को जो कि complete sense देता हो. कोई भी sentence तब ही हम उसको sentence कह पाएंगे जब उस sentence में से हमें कुछ जानने को मिले, कोई thought clear होता हो, कोई भी एक sense निकलती हो. ठीक है, तभी वो एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, दैट अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. एक वर्ड्स का ऐसा ग्रुप कि जो एक सेंस देता हो, एक आइडिया देता हो. ओके नाउ लुक ओवर दिस एग्जांपल. प्लीज क्लीन योर रूम. आप आपका रूम क्लीन करो. इसका मीनिंग क्या होता है? आप आपका रूम क्लीन करो. ठीक है, नाउ लुक एट द सेकेंड सेंटेंस. रूम प्लीज योर. इसका मतलब क्या हुआ? प्लीज आप आपका, कृपा करके आप आपका रूम क्लीन करो. और इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? रूम प्लीज योर. कुछ भी समझ में आया? नहीं आया. ठीक है, नाउ लुक ओवर सेकंड सेंटेंस. आई कैन स्विम इन द रिवर. मैं रिवर में स्विम कर सकता हूँ. नाउ पे अटेंशन टू सेकंड सेंटेंस. रिवर इन कैन आई. सो क्या हुआ इसका मतलब? कुछ भी नहीं.
सो दोनों सेंटेंसेस में हमें फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो एक सेंस प्रोवाइड करता है, एक मीनिंग देता है. सेकंड सेंटेंस को रीड करके हमें कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट आइडिया देता है, कुछ भी पता नहीं चलता. तो हम इसको सेंटेंस बोलेंगे नहीं, इसको भी हम सेंटेंस नहीं कह सकते. वाई? क्योंकि ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है कि आखिर कहना क्या चाहते हो. लाइक दिस, ओके? तो ये जो दोनों ही फर्स्ट सेंटेंस है वो एक आइडिया देते हैं कि इस सेंटेंस में हमें ये कहा गया है कि प्लीज़ क्लीन योर रूम. तो एक कंप्लीट सेंस मेक करता है ये, तो ये एक सेंटेंस है. आई कैन स्विम इन द रिवर, तो यहाँ पर भी एक थॉट दिया गया है, एक आइडिया दिया गया है जो हमारे समझ में आ रहा है कि एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर. तो ये क्या हुआ, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ. सो अगेन लुक ओवर द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जो एक कंप्लीट सेंस देता हो, एक क्लियर थॉट हमारे सामने रखता हो, तो वैसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड मीन्स देखिए यहाँ पर कितने वर्ड्स यूज हुए हैं, प्लीज क्लीन योर एंड रूम, ओके? इतने सारे वर्ड्स यूज हुए हैं, इतने सारे वर्ड्स का ग्रुप बना है, ग्रुप बना है और ये एक मीनिंगफुल मीनिंग हमें देता है, ठीक है? सो वी कैन से दैट दिस इज अ सेंटेंस. दूसरा वाला जो सेंटेंस है उसके अंदर भी एक ग्रुप है वर्ड्स का, लेकिन ये कोई सेंस नहीं देता है, कोई मीनिंग नहीं देता है. दैट्स वाई वी कैन नॉट से दैट दिस इज अ सेंटेंस, ओके? सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस? That these are not sentence because the group of words express incomplete ideas. क्योंकि ये sentence में हम क्यों नहीं count करेंगे, क्योंकि ये हमें incomplete ideas देते हैं. Words तो है यहाँ पर लेकिन meaningful नहीं है, एक एक word missing है. तो जब complete words मिलकर, complete words का group मिलकर एक complete idea दे, तभी हम उसको एक sentence कह सकेंगे, okay? Again I say that a sentence is because the group of words express incomplete ideas, that's why we cannot say that these are sentences, okay? इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे, ये इनकम्प्लीट आइडियाज को देते हैं इसीलिए, ठीक है? ओके, नाउ लुक ओवर द बोर्ड. Here are some types of the sentences, okay? So what it suggests? A sentence begin with a capital letter. अभी हमें ये जानना है कि exactly sentence क्या होता है. तो कोई भी sentence कैसे begin होता है, capital letter से. देखिए, okay? H is capital, E is capital and D is capital. Okay? D is capital. So कोई भी sentence का जो first letter होता है वो always क्या होता है, capital होता है. एक sentence तभी complete sentence बनता है जब उसका first letter क्या हो, capital हो, ठीक है? Then it is end with full stop or question mark or exclamation mark, okay? जब sentence, complete sentence तब बनता है जब वो start किस तरह से होता है, capital letter से, end किस तरह से होता है, या तो question mark से, या तो full stop से, या तो exclamation mark से, ठीक है? अभी हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि कब हमें फुल स्टॉप लगाना है, कब हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है और कब हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है? अब हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे. फिलहाल के लिए आप ये देख लो कि दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, दिस इज अ फुल स्टॉप एंड दिस इज अ एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके? एंड रीड द सेंटेंसेस. सेंटेंस नंबर वन, डू यू लाइक डायनासोर्स? आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है कि क्या आपको डायनासोर्स अच्छे लगते हैं. तो जब भी हमें सेंटेंस में कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन करना हो, तब हम वो क्वेश्चन करने के बाद एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. क्या लगाएंगे हम? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर हमें पूछा गया है कि क्या आपको डायनासोर्स अच्छे लगते हैं. देखिए यहाँ पर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, एंड में प्रॉपर मार्क दिया है, सो दिस इज अ फुल सेंटेंस. नाउ लुक ओवर द सेकंड सेंटेंस, ईट योर फूड, ओके? यहाँ पर भी एक कंप्लीट आइडिया दिया गया है कि आप आपका फूड कंप्लीट कीजिए, फूड खाइए. सेंटेंस के स्टार्टिंग में ई कैपिटल है,
एंड में भी फुल स्टॉप लगाया गया हुआ है। जब भी हम एक थॉट रखते हैं किसी के सामने, कोई भी एक आइडिया रखते हैं, और उसके बाद में जब वो आइडिया ख़त्म होता है, वो सेंटेंस ख़त्म होता है, फुल स्टॉप लगाते हैं, तो इट मेक अ सेंस। ओके, नाउ लुक ओवर द थर्ड, हाउ क्लेवर यू आर। जब भी हमें कोई एक्सक्लेम करना हो, कुछ अंदर की भावनाएं निकालनी हो, किसी की तारीफ करनी हो, किसी को गंदा बोलना हो, ठीक है, तब हम एक एक्सक्लेम करते हैं, एक आवाज़ हमारे अंदर से निकलती है जो एक भाव के साथ निकलती है, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी नहीं है और ये एक स्टेटमेंट भी नहीं है, नॉर्मल स्टेटमेंट भी नहीं है, बल्कि एक एक्सक्लेम है, उद्गार है। तो जब भी हमें ऐसा फीलिंग सामने रखनी है किसी सेंटेंस के अंदर, तब हम कौन सा मार्क लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, हाउ क्लेवर आर यू, तुम कितने होशियार हो, तुम कितने क्लेवर हो, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द एक्सक्लेमेशन मार्क हियर। तो ये थे तीनों टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट इट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न मोर अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, पैराग्राफ में कोई एक टाइप का सेंटेंस नहीं होगा, इन चारों में से कोई भी सेंटेंस हो सकता है। नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू विद दोज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो फर्स्ट, असरेटिव। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असरेटिव, विच मेक अ स्टेटमेंट। ओके, कोई भी स्टेटमेंट आता हो, या तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, या तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इन द सेंस कि यहाँ पर नोट का यूज़ ना हुआ हो तो वो होगा पॉजिटिव, और जिस सेंटेंस में नोट का यूज़ हुआ होगा वो होगा नेगेटिव। तो कोई भी स्टेटमेंट है सेंटेंस के अंदर, फॉर एग्जांपल, आई हैड पास्ता फॉर डिनर। देखिए एक नॉर्मल टाइप का सेंटेंस है कि मैंने डिनर में पास्ता लिया, ठीक है, तो ये हुआ एक पॉजिटिव असरेटिव स्टेटमेंट सेंटेंस। स्टेटमेंट एंड सेंटेंस मीन्स इक्वल। ओके, तो ये हुआ एक नॉर्मल सा सेंटेंस। अब अगर यहाँ पर मैं ये लगा, असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। ओके, तो ये हुआ पॉजिटिव स्टेटमेंट, आई हैड पास्ता फॉर डिनर। देखिए स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से एंड फुल स्टॉप से, राइट। अगर इसके अंदर मैं ये लगा दूँ, डिड नॉट हैड पास्ता फॉर डिनर, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट। ओके, नाउ नंबर टू, इंटेरोगेटिव। जब भी सेंटेंस के अंदर फुल स्टॉप आता है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो वो हो जाता है असरेटिव। जब भी सेंटेंस में इंटरोगेशन करना हो, इंटरोगेशन यानी कि कुछ पूछना हो, तब वो सेंटेंस बनता है इंटरोगेटिव, विच आस्क अ क्वेश्चन। ओके, इंटरोगेटिव मीन्स विच आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तब। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो वेयर माई पेन इज़, क्या आपको पता है मेरी पेन कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर भी कैपिटल लेटर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। क्या लगाया गया है, क्वेश्चन मार्क, और जब भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है तब वो सेंटेंस कैसा बन जाता है, इंटेरोगेटिव। ये आपको याद रखना है। ऑल राइट, नाउ नंबर थ्री, इम्परेटिव। सो वॉट इज़ द मीनिंग इम्परेटिव, विच आर यूज फॉर कमांड्स, यानी कि आपको कोई भी कमांड देना हो, कमांड देना हो यानी कि आज्ञा देनी हो, कुछ भी करने को, किसी को भी बोलना हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंड अप, सिट डाउन, डू योर वर्क, तो ये सब क्या हुआ, ये सब कमांड्स हुए, ठीक है। तो जब भी सेंटेंस में कमांड दिया गया हो, तब वो सेंटेंस क्या बन जाता है, इम्परेटिव। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू प्लीज गेट मी जूस फ्रॉम द फ्रिज। ओके, कमांड या तो रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर क्या किया गया है, कमांड दिया गया है या रिक्वेस्ट की गई है, रिक्वेस्ट की गई है, क्योंकि कैन यू प्लीज गेट मी जूस फ्रॉम द फ्रिज, क्या आप मुझको फ्रिज में से जूस निकाल कर दे सकते हो, तो ये एक रिक्वेस्ट टोन है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि सिट डाउन, गेट अप, गेट आउट, तो ये कमांड हुआ, ये टोन क्या हुआ, कमांड हुआ। तो जब भी सेंटेंस में अगर या तो रिक्वेस्ट की गई हो या तो कमांड दिया गया हो, तो वो सेंटेंस बन जाता है इम्परेटिव सेंटेंस। नंबर फोर, एक्सक्लेमेटरी। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी, विच कन्वे सम टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन। ओके, विच कन्वे सम टाइप ऑफ
स्ट्रॉन्ग इमोशन, जब भी सेंटेंस के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन शो किया गया हो तब हम उसके पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं इस तरह का, ओके किसी भी स्ट्रॉन्ग इमोशन को आउट करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल देखिए, हुर्रे, ये क्या लिखा है, हुर्रे वी वॉन द मैच, यस हम मैच जीत गए। तब हमारे पास कौन सी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, हम खुश हुए होते हैं, हमें बहुत एक्साइटमेंट हुआ होता है अगर हम कोई मैच जीत जाए, कोई गेम जीत जाए तो। और तब हम जो एक्सक्लेम करते हैं और जो सेंटेंस बनता है उसे कहेंगे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फर्स्ट असर्टिव, सेकंड इंटरोगेटिव, थर्ड इंपरेटिव एंड फोर्थ एक्सक्लेमेटरी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव फॉरवर्ड टू द एक्सरसाइजेस, ओके। सो फर्स्ट पेज नंबर 64, फोकस एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन। डिसाइड इफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंसेस, टिक राइट द बॉक्स इफ इट इज अ सेंटेंस, ओके। आपको यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है, यानी कि कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ग्रुप में, तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो सेंटेंस है या नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट, अ ब्राउन रैबिट, सो सेंटेंस के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और एंड में कोई भी एक मार्क होना चाहिए, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी या तो क्वेश्चन मार्क, तो है इसमें अ ब्राउन रैबिट में कोई मार्क नहीं है। एंड द थर्ड कंडीशन इज कि ये जो सेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो एक कंप्लीट मीनिंग वाला होना चाहिए, यानी कि कोई भी एक सेंस देता हुआ होना चाहिए। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, अ ब्राउन रैबिट कुछ भी नहीं, फर्स्ट लेटर भी कैपिटल नहीं है, कोई मार्क भी नहीं है एंड कोई सेंस भी नहीं देता है, सो दिस इज नॉट सेंटेंस, सो डू रॉन्ग मार्क ऑन इट। नंबर टू, इन द टॉय कपबोर्ड, तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इसका कोई मीनिंग है, कोई सेंस है, नहीं है, सो ये भी नहीं। नंबर थ्री, द लिटिल चाइल्ड वॉज वेरी शाई, लिटिल चाइल्ड बहुत ही शाई था, यस देखिए यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल है एंड में फुल स्टॉप का मार्क दिया गया है एंड ये जो सेंटेंस है वो एक कंप्लीट आइडिया देता है कि छोटा बच्चा बहुत ही शाय था, सो दिस इज अ सेंटेंस। नंबर फोर, इट इज एन ओल्ड टॉय, इट इज एन ओल्ड टॉय, ओके। सो देखिए यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल है एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया गया है और ये जो सेंटेंस है वो एक सेंस देता है, कौन सी, कि ये वाला जो टॉय है वो पुराना है, सो दिस इज ऑल्सो अ कंप्लीट सेंटेंस। नाउ नंबर फाइव, कैन यू प्ले फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेल सकते हो, ओके। सो यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है एंड में क्वेश्चन मार्क दिया गया है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ओके और ये भी एक मीनिंग देता है कि क्या आप फुटबॉल खेलोगे, ओके सो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। नाउ नंबर सिक्स, द टॉय ट्रेन्स पेंट, देखिए यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल है ओके और एंड में कोई भी मार्क नहीं दिया गया है और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसका मीनिंग क्या हम समझे, द टॉय ट्रेन्स पेंट, टॉय ट्रेन का पेंट, तो ये कोई एक कंप्लीट सेंस नहीं है, कुछ कंप्लीट थॉट नहीं देता है, कोई आइडिया भी नहीं मिलता एक क्वेश्चन में से, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ सेंटेंस, ओके। सो हियर आवर फोकस एक्सरसाइज इज कंप्लीट, प्लीज राइट डाउन इन योर जीई बुक, ओके स्टूडेंट्स। नाउ मूव फॉरवर्ड टू प्रैक्टिस एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर ए, लुक एट वॉट जया इज सेइंग, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको रीड करना है। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, जया नाम की एक लड़की दूसरे लड़के के साथ बात कर रही है, ओके। आई एम जया, आई लिव इन अ विलेज विथ माई फादर, मदर एंड ब्रदर, आई हेल्प माई फैमिली इन द फार्म, वॉट इज योर नेम, वेर डू यू लिव, डू यू हेल्प योर फैमिली टू, किसका मतलब क्या होता है। आई एम जया, मेरा नाम जया है, आई लिव इन अ विलेज विथ माई फादर मदर एंड ब्रदर, मैं एक गाँव में अपने पापा मम्मी और भाई के साथ रहती हूँ, आई हेल्प माई फैमिली इन द फार्म, मैं अपने फैमिली को फार्म में हेल्प करती हूँ, मदद करती हूँ, वॉट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, वेर डू यू लिव, तुम कहाँ पर रहते हो, डू यू हेल्प योर फैमिली टू, क्या आप भी आपके फैमिली को हेल्प करते हो, ओके। नाउ नंबर बी, पेस्ट योर फोटोग्राफ हियर एंड आंसर जयाज क्वेश्चन इन योर ओवन सेंटेंसेस,
ओके, तो जया ने आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन किए हैं उसके आंसर आपको यहाँ पर लिखने हैं, और ये आपकी एक फ़ोटो भी यहाँ पर जो बॉक्स है ये वाली यहाँ पर पेस्ट करनी है एंड देन उसके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट द आंसर्स, आपको जो भी नाम है, फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस नंबर बी आपको किस तरह से लिखना है, आई एम ब्लैंक, यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, आप जो भी हो वो, आई एम ब्लैंक, ओके, आई एम, आई लिव इन सीहोर, ओके, देन आपको लिखना है आई हेल्प माई मदर विद द हाउस वर्क, आई, आप मदद करते हो ना आपके मम्मी की, आई हेल्प माई मदर विथ द हाउस वर्क, ये सारे जो क्वेश्चंस जया ने किए थे उसके आंसर है, ठीक है। आई ऑल्सो हेल्प माई फादर विथ गार्डनिंग, आई ऑल्सो हेल्प माई फादर इन गार्डनिंग, माय ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो लिव विद अस, माय ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो लिव विद अस, एंड देन आपको लास्ट में लिखना है आई लव माय फैमिली, ओके, सिर्फ यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है एक्स वाई जेड जो भी है वो। ऑल डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द एक्सटेंशन एक्सरसाइज, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर असरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। यहाँ पर आपको ये जो भी कोई सेंटेंसेस दिए गए हैं उसको आपको रीड करके ये पता लगाना है कि दिए हुए सेंटेंसेस असरेटिव है, इंटरोगेटिव है, इम्परेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है। अगर सेंटेंस असरेटिव लगता है आपको तो आपको उसके बाजू में ए करना है, इंटरोगेटिव लगता है तो इन करना है आई एन, इम्परेटिव लगता है तो आई एम करना है एंड एक्सक्लेमेटरी है तो ई करना है, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, ओके। तो असरेटिव मीन्स कि सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस हो, नॉर्मल स्टेटमेंट दिया गया हो, ठीक है, तब वो बनता है असरेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स जब भी सेंटेंस के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो तो वो बनता है इंटरोगेटिव। जब भी सेंटेंस के अंदर कोई रिक्वेस्ट या तो ऑर्डर दिया गया हो, कोई भी रिक्वेस्ट की गई हो या तो कोई ऑर्डर दिया गया हो तो वो सेंटेंस बनता है इम्परेटिव, ओके। एंड किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन दिया गया हो, ठीक है, जो कि एक इमोशन को प्रेजेंट करता हो, एक इमोशन वाला आइडिया लाता हो, तो वो सेंटेंस बनता है एक्सक्लेमेटरी। तो आपको अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस ए, इन, आई एम या तो ई लगाना है। सो आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट सेंटेंस, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ओके। तो ये एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है कि सन ऑलवेज कहाँ पर राइज होता है, ईस्ट में। तो ये सेंटेंस कैसा हुआ हमारा, असरेटिव, तो हमें यहाँ पर लगाना है ए, ऑल राइट। नंबर टू, हैव यू सीन माई बुक एनी वेयर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है कि क्या आपने मेरी बुक कहीं पर भी देखी है, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसा हुआ, इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई एन। नंबर थ्री, बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर दिया गया है कि आपको लाइब्रेरी में चुप बैठना है, ठीक है। सो ये हुआ हमारा इम्परेटिव, कौन सा सेंटेंस हुआ ये हमारा, इम्परेटिव, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई एम।
नंबर फोर, व्हाट अ वंडरफुल वॉइस रीटा हैज, रीटा की आवाज़ कितनी वंडरफुल है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन रखा गया है कि रीटा की आवाज़ कितनी वंडरफुल है, एक इमोशन प्रेजेंट हुआ है। सो वी कैन से दैट दिस सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और जब भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तब हमें क्या लगाना है, यहाँ पर ई। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, प्लीज़ आप मुझे सॉल्ट पास कीजिए, नमक दीजिए। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की गई है कि प्लीज़ प्लीज़ लगाकर एक रिक्वेस्ट की गई है। सो दिस सेंटेंस इज इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, जब भी सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट या तो ऑर्डर आता हो तब वो सेंटेंस बनता है इम्परेटिव। यहाँ पर सॉल्ट रिक्वेस्ट करके मांगा गया है, सो दिस सेंटेंस इज इम्परेटिव। नेक्स्ट, डोंट यू गो टू द मार्केट एवरी थर्सडे, क्या आप एवरी थर्सडे मार्केट को नहीं जाते हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ओके, एंड में क्वेश्चन मार्क भी है, सो ये सेंटेंस कौन सा हुआ, इंटेरोगेटिव। ओके, सो हम यहाँ पर लिखेंगे IN फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर सेवन, इट रेन्स मेनली इन द प्लेन्स इन द स्पेन। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्लेन्स में, यानी कि जो स्पेन के जो मैदान है वहाँ पर मेनली ज़्यादातर बारिश होती रहती है। सो ये एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, ओके, एक नॉर्मल सा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सो दिस सेंटेंस इज असरेटिव। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ए। लास्ट, मेक हे वाइल द सन शाइंस। ओके, जब सन शाइंस करता है तब आपको है मेक करना है। सो दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर आपको एक ऑर्डर दिया गया है, सो इट बिकम अ इम्परेटिव सेंटेंस। सो लास्ट सेंटेंस इज imperative, so write IN. Okay students, so here our extension exercise is also completed. Okay, you have to write the exercise in your GE book only, you don't have to write in your rough books or your fair book. आपको यहाँ पर ही सिर्फ उसके answers only letters में लिखने हैं, words में नहीं, letters में लिखने हैं. So here I am going to end it this session, and today's your homework is complete your GE टर्म बुक। ओके, आपको मैंने आज जो भी करवाया वो आपको आपकी टर्म बुक में करना है। सो सी यू इन अवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।